हमसे करेगा। हे मैजेस्टी, मैं चाहती हूँ आप हमें विंग्स दे, हमें ताकत दे ताकि हम सबसे शक्तिशाली तूफान का भी सामना कर सके, और प्लीज हमें इतनी बेशुमार ताकत दे कि हम अपनी चैलेंजेस का सामना कर सके। समझ में नहीं आ रहा विनोना क्या कर रही है। शायद मुकाबले से पहले के रिवाज। लगता है कि वो ये मानती है कि आसमान से उसे ताकत मिल सकती है। पिकाचू, क्या तुम अपना अगला बैच जीतने के लिए तैयार हो? मौका सबको मिलता है दिल की बात सुनने का, चाहे लंबी हो लड़ाई, जुदा कौन या रहना पाए, मैं तो लड़ूंगा। हाँ ये सपना तो सच होगा, चलता ही रहेगा, सपना देंगे जब तक कि ना जीतेंगे हम। ऐसा प्यार हाँ सपना हमारा है ये, और हम जो एक हो जाए तो हमसे बेहतर ना कोई, सपना हम जिएंगे ये भी होके मां। स्काई हाई जिम मुकाबला। ये जिम मुकाबला जो विनोना जो फोर्ट्रे जिम लीडर है और चैलेंजर एश पैलेट टाउन से आए हैं उनके बीच शुरू होगा। हर एक ट्रेनर 3 पोकेमोन इस्तेमाल करेगा और मैच तब खत्म होगा जब किसी एक ट्रेनर के सारे पोकेमोन लड़ने के काबिल न रहे। सिर्फ चैलेंजर को ही पोकेमोन बदलने की इजाजत है। वाह, मैं उसका पहला पोकेमोन देखने के लिए बेताब हूँ। अल्टारिया, मैं चुनती हूँ तुम्हें। ये तो अल्टारिया है। हाँ, एक और फ्लाइंग टाइप पोकेमोन। अल्टारिया एक हमिंग पोकेमोन। अल्टारिया आकाश में उड़ती रहती है और अपने पंखों से हवा के बहाव को पकड़े रखती है। उम्मीद है कि अल्टारिया को देखकर एश ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए, क्योंकि अल्टारिया ड्रैगन टाइप पोकेमोन भी है। ग्रोवाइल्ड, मैं तुम्हें चुनता हूँ। क्या ग्रोवाइल्ड? एश को पता होना चाहिए ग्रोवाइल्ड फ्लाइंग टाइप के खिलाफ कमजोर होते हैं। उसे पता है, लेकिन देखते हैं शायद एश के पास कोई प्लान हो। और शुरू करो। चलो जाओ अल्टारिया, डाइव अटैक। सुनो ग्रोवाइल, बुलेट सीट अटैक करो। बचो फिर डाइव अटैक करो। अब कूदो और बचो। ग्रोवाइल नहीं, ये ठीक नहीं लग रहा है। बहुत अच्छे, अब फिर से पैक इस्तेमाल करो। जल्दी ग्रोवाइल, उठ जाओ और उससे बचो। तुम्हारी ग्रोवाइल से मैं इम्प्रेस हुई। उसकी तुरंत उड़ने से तुमने उसे अच्छे से पाला है, पर कोई भी सिर्फ बचने से मुकाबला नहीं जीतता। ये सिर्फ बेहुदा नहीं है बल्कि बहुत शर्म की बात है। हमने पिकाचू का जिम तक पीछा किया और लड़ाई के मैदान में आते आते रास्ता भटक गए। अब हम क्या करेंगे? जब प्लान ए काम ना करे तो प्लान बी इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे पास प्लान बी है। तुम दोनों को मैं ये बता दूं कि मुझे पता चला है कि इस फोर्ट्री जिम में छुपा हुआ एक खजाना जो हमें मालामाल कर देगा, और इन दोनों की मदद से हम उन्हें ढूंढेंगे और मिलते ही नाश्ता शुरू करेंगे। हम नाचेंगे डिस्को डिस्को डिस्को, बाजू में किसको, डिस्को डिस्को डिस्को। मैंने कहा खजाना मिलने पर नाचना शुरू करेंगे, अभी नहीं। ऐसे रोज इस्तेमाल होते हैं अंडरग्राउंड पानी ढूंढने के लिए, समझे कि नहीं? रुको, हम पहले से ही फेल हो चुके हैं। और मैं एक चीज में एक ही बार फेल होना पसंद करता हूँ। लेकिन ये पानी वाले रॉड नहीं है, ये चीजें ढूंढते हैं। तुम्हें क्या लगता है ये यूं ही सोने से बने हैं? कुछ भी, मेरा यकीन करो मियाउथ, मुझे लगता है ये चीजें किसी काम की नहीं होती। ये सच नहीं, मैंने इनके बारे में आज ही मैगजीन में पढ़ा था, और ये सबसे टॉप पर नंबर 1 पर थे मनी बैक गारंटी के साथ। ये भी लिखा था। मैं बताती हूँ कितने का पड़ेगा। पर पैसा वसूल है। हाँ, ये तो हमें इस गलियारे में जाने को कह रहे हैं। क्या बात है, मुझे पता था ये काम करेगा। उस हॉल में खजाना छुपा पड़ा है, हम अमीर हो जाएंगे। बहुत ही सुंदर है। और अच्छा होता अगर वो चोटी की तरफ इशारा करते। सुनो अल्टारिया, ड्रैगन ब्रेथ। ग्रोवाइल नहीं। ओ नहीं, क्या? बहुत अच्छे, एक बार फिर ड्रैगन ब्रेथ का इस्तेमाल करो। ग्रोवाइल उससे बचो अभी।
आदत है ग्रोवाइल, बस इसी तरह बचते रहो। समझ नहीं आता कि इतनी मार खाने के बावजूद ग्रोवाइल अभी कैसे लड़ रहा है। अब ग्रोवाइल बुलेट सीड अटैक करो, जल्दी से चढ़ो एलचार या फिर ड्रैगन ब्रेक का इस्तेमाल करो। उससे बचो। अब ग्रोवाइल सबसे ऊपर है। ग्रोवाइल लीफ ब्लेड अटैक करो अभी। अल्टारिया लड़ने के काबिल नहीं, ग्रोवाइल जीत गया। ग्रोवाइल तुमने कर दिखाया। ग्रोवाइल तो ऐश भागने का नाटक कर रहा था ताकि उसे हमला करने का सही मौका मिल जाए। ग्रोवाइल इतना तेज है और कूदता अच्छा है, इसलिए ऐश के लिए वो परफेक्ट चॉइस था। अच्छा तो उसने प्लान बनाया था। कहना पड़ेगा तुम्हारी तरकीब कमाल की थी, तुमने मुझे अच्छे से फंसा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया विनोना, पर मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि मुकाबला तो अभी शुरू हुआ है। ये सच है, और ये मत सोचना कि मैं जिम बैजेस आसानी से देने वाली हूँ। मैं सोच रही हूँ कि विनोना का अगला पोकेमॉन कौन होगा। अब बारी है पहले पो की, मैं चुनती हूँ तुम्हें। तो वो पेलीपर का इस्तेमाल कर रही है। हाँ अब वापस आ जाओ ग्रोवाइल। पिकाचू क्या तुम तैयार हो? ऐश ने पिकाचू को चुना। स्मार्ट, पेलीपर के पास दोनों अनुभव है, फ्लाइंग और वाटर टाइप। हाँ इस मैच में पिकाचू ज्यादा ताकतवर है। हाँ, मुझे लगा ही था। तुम जैसे चाहो वैसे अटैक कर सकते हो। हाँ ठीक है जैसा तुम चाहो। पिकाचू थंडरबोल्ट इस्तेमाल करो। पेलीपर स्टील विंग अटैक करो। अरे वाह वो काफी शक्तिशाली वार था। बैठे रहो। नामुमकिन, पिकाचू के थंडरबोल्ट ने काम नहीं किया। वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। हम लोग अपने सपने से बस कुछ ही कदम दूर है। वो ऊपर है। इलेक्ट्रिकल खजाना है क्या? ये तो काफी जोरदार झटका था। ये तो लड़ाई का मैदान है और हमें किसी से रास्ता पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ी। वक्त है उन सोने के रॉड्स को साइड में रखकर प्लान ए आजमाने का। ठीक है लेकिन शुरुआत हम तैयारी के साथ करते हैं। ठीक हाँ। है मुसीबत के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाओ और फिर उससे टकराने को भी। दुनिया को तबाही से बचाने के लिए, सभी लोगों को एक साथ लाने के लिए, सबको बताने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं, पूरी कायनात को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। जेसी जेम्स टीम रॉकेट हमारी लंबी है हाइट। सरेंडर करो या फिर करो हमसे फाइट फाइट फाइट। छोड़ेंगे नहीं, बेहो या नहीं। हम पकड़ेंगे पिकाचू को। वो रॉड्स हमें बता रहे थे कि पिकाचू ही वो खजाना है। सोना था या खोना था? मुझे लगता है हमें रोना था। टीम रॉकेट फिर से फेल हो गई। क्या वो शूटिंग स्टार था? क्या पता नहीं पिकाचू के इलेक्ट्रिक अटैक का असर क्यों नहीं हो रहा। बिल्कुल ठीक, खुद कमजोर बन जाओ। पहले बार क्विक अटैक इस्तेमाल करो। पिकाचू समझ गया। हाँ? वो स्टील विंग जो पहले पर इस्तेमाल कर रहा है वो पिकाचू के इलेक्ट्रिक अटैक्स को एब्जॉर्ब कर रहा है। हाँ? तो हमें और करीब जाना होगा। पिकाचू क्विक अटैक करो। पहले पर हाइड्रो पंप इस्तेमाल करो। रुक जाओ पिकाचू, वहीं खड़े रहो। अब क्या? समझ गया, पिकाचू थंडर अटैक करो। पिकाचू और पेलीपर दोनों लड़ने के काबिल नहीं है। वाह वो देखो तो। मुझे तो एक पल के लिए लगा था कि पिकाचू जीतने वाला है,
मुझे भी ऐसा ही लगा, लेकिन हाइड्रो पंप हमला बहुत ताकतवर था। पता नहीं अब क्या होगा। हाँ, पिकाचू तुम ठीक तो हो ना दोस्त? तुमने अच्छी टक्कर दी। हाँ? हम हार नहीं मानेंगे। स्क्रीनर्स, इनमें से कौन सा पोकेमॉन आप चुनेंगे अगर मुकाबला करना हो बैड बॉय से? स्क्रीनर्स, अगर आपने चुना लैप्रेस को तो आप बिल्कुल सही हैं। एश, आज की तरह सुहाने और खूबसूरत दिन पर मेरे फ्लाइंग पोकेमॉन और मैं इससे और भी ज्यादा खराब मौसम में भी हम बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकते हैं। जो सच्चे मन से अपनी चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता है उसकी जीत हमेशा होती है। वाह, मुझे नहीं पता था ऐसा भी हो सकता है। तो ठीक है, क्या तुम तैयार हो मेरे एक और नए पोकेमॉन से सामना करने के लिए? स्वेलो! एक स्वेलो, कूल, उसके कलर्स तो देखो। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। मैंने भी नहीं। ये तो विनोना के स्कार्मरी से भी ज्यादा शानदार है। तो तुम स्वेलो के साथ लड़ोगे? हाँ, फिर मुझे भी तेज पोकेमॉन चाहिए होगा। ग्रोवाइल, मैं तुम्हें चुनता हूँ। ग्रोवाइल, प्लीज ब्लेड इस्तेमाल करो अभी। वाओ, क्या स्पीड थी और ताकत भी। स्वेलो, एरियल एस का इस्तेमाल करो। एरियल एस? उस सर्कल में फंसना मत। पहले कूदो और फिर लीफ ब्लेड से हमला करो, जल्दी। ग्रोवाइल, ग्रोवाइल लड़ने के काबिल नहीं है। स्वेलो जीत गया। बहुत अच्छे, कमाल कर दिया स्वेलो। तो मैक्स, एरियल एस के बारे में समझाओ। सबसे पहले स्वेलो अपने ओपोनेंट के पास गोल गोल घूमते हुए जाता है और फिर ठीक अटैक करने से पहले वो एक सेकंड के लिए गायब हो जाता है। और क्योंकि स्वेलो का ओपोनेंट उसे देख नहीं सकता, इसलिए वो बचाव नहीं कर सकता। एरियल एस जैसे अटैक से बचना बहुत मुश्किल है। ग्रोवाइल, वापस आओ। तुम कमाल के थे, अब तुम्हें थोड़ी देर आराम करना चाहिए। ठीक है, मैं अगला पोकेमॉन चुनता हूँ। स्वेलो, मैं तुम्हें चुनता हूँ। यकीन नहीं होता ऐश ने इसे चुना। पता है, अब मुकाबला स्वेलो वर्सेस स्वेलो का हो गया है। मुझे लगता है विनोना के स्वेलो को ऐसे मुकाबलों की आदत है, लेकिन ऐश के स्वेलो को बिल्कुल भी नहीं है। मुझे पता था तुम अपने स्वेलो को चुनोगे ऐश। चलो इस मैच को एक्साइटिंग बनाते हैं। ठीक है, मैं भी तुम्हारी तरह ही आसमान से मुकाबला करूंगा विनोना, और मैं अपना अगला बैच पाकर ही रहूंगा। तुम्हारा कॉन्फिडेंस पसंद आया ऐश, तुम तैयार हो? हाँ। यकीन नहीं होता कि वो इतने ऊपर से लड़ने वाले हैं। क्योंकि वो फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन से लड़ रहे हैं। बिल्कुल सही, और इतना ऊपर होने पर दोनों ट्रेनर्स अपने पोकेमॉन पर नजर रख सकते हैं। ये काफी अच्छा है, लेकिन मुश्किल तब होती है जब तेज हवाएं चलती हैं, जिससे ट्रेनर्स और पोकेमॉन दोनों को मुकाबला करते वक्त बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अभी स्वेलो वर्सेस स्वेलो शुरू किया जाए। स्वेलो जाओ, विंग अटैक। नहीं आश, ये गलत हमला है। जाओ स्वेलो, हिलना मत। हे, ये क्या हुआ? आश के स्वेलो को क्या हुआ? जब एक पोकेमॉन मुकाबले में दोनों पोकेमॉन फ्लाइंग टाइप हो तो ये होता है, विंग अटैक करने वाला पोकेमॉन खुद के ही हमले से जख्मी होकर बैलेंस खो देता है। स्वेलो, अपने आप को संभालने की कोशिश करो अभी। यही सही मौका है, पैक अटैक इस्तेमाल करो। स्वेलो जल्दी कुछ करो प्लीज। मुझे इसी का ही डर था। विनोना ने अपने स्वेलो को बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग दी है, वो इस तरह के हमलों के लिए बिल्कुल तैयार था। स्वेलो टकराने वाला है। अभी स्वेलो ऊपर जाओ। वो बहुत करीब था। तुमने सही कहा मैक्स। जाओ स्वेलो, हार्ट पर भी मचा कभी। उससे बचो अभी। हार्ट पर भी 22-30 डिग्री। नहीं, अब तेजी से उड़ो और फिर कूदो और अपने हाइपर बीम से 15 डिग्री पर हमला करो। स्वेलो संभल कर। अभी स्वेलो घूमो और क्विक अटैक इस्तेमाल करो।
इस्तेमाल करो। स्वेलो नहीं। ओ नहीं, मुझे लगा एरियल ऐसे आक्रामक अटैक है। हाँ, पर वनोना ने उसे डिफेंस के लिए इस्तेमाल किया। आखिर उसने कैसे किया? जब एरियल एस हमले की ट्रेनिंग इतनी अच्छी हो तो वो ट्रेनर कुछ भी कर सकता है। ऐश को एरियल एस हमले को रोकने का तरीका ढूंढना होगा, वरना वो बिल्कुल नहीं जीत पाएगा। विनोना का स्वेलो तो बहुत ताकतवर है। क्या वो फिर से एरियल एस अटैक करेगी या फिर हाइपर बीम से? तुम्हें स्पीड बढ़ानी होगी। फुल स्पीड में जाओ और हमला करो। ऐश के स्वेलो की स्पीड ज्यादा नहीं है। रॉक, तुमने सही कहा था। इस तरह की लड़ाई हो तो वनोना का स्वेलो बेहतर है। उस एरियल एस अटैक को हमेशा के लिए रोकने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। हाँ? हाँ? मैं समझ गया। अगर हमने उसे रोका तो हम जीत सकते हैं। मुझे तुम्हारी दाद देनी चाहिए एश फोर्ट रीजन मुकाबले में यहाँ तक आने के लिए। मुझे अफसोस है ये सब यही खत्म होगा। स्वेलो, हम हाइपर बीम अटैक से ही खत्म कर देंगे। चलो जाओ। ओ एश हारने वाला, ये मैं नहीं देख सकता। ठीक है स्वेलो, मेरी बात सुनो। जल्दी क्विक अटैक इस्तेमाल करना और फिर डाइव अटैक करना। हाइपर बीम अटैक से हमला करो। वो दोनों तो जमीन की ओर जा रहे हैं। यहो क्या रहा है, वो दोनों टकराने वाले हैं। बस करो, मैं ये नहीं देख सकता। अभी स्वेलो, एरियल एस। स्वेलो, विंग अटैक इस्तेमाल करो और जमीन की तरफ बढ़ाओ। जरा ये देखो। अब स्वेलो, यही मौका है, फिर से विंग अटैक करो। स्वेलो नहीं। ओ हाँ। जिम लीडर का स्वेलो लड़ने के काबिल नहीं है, तो ये मैच जीता है एश जो पैलेट टाउन से आया है। हमने कर दिया। स्वेलो, तुमने तो कमाल कर दिया। पता है, मुझे नहीं लगा था कि एश जीत पाएगा। एश ने एरियल एस हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। एश ने पहले जमीन पर विंग अटैक करके धूल जमा की, जिसकी वजह से उसे विनोना का स्वेलो दिख गया। ये एक बहुत ही अच्छा प्लान था। और फिर दूसरा विंग अटैक इस्तेमाल करना। उसका निशान बिल्कुल सही जगह पर लगा। इतनी धूल में दिखा तो नहीं, पर ये काम कर गया। एश का अपना ही एक स्टाइल है। कंग्रेचुलेशंस एश, ये फेदर बैच सबूत है कि तुमने फोर्ट रीजन में जीत हासिल की। बहुत बहुत शुक्रिया विनोना। मेरा सिक्स्थ बैच। ओह वाह, हमारा फेदर बैच।